हाँ भाई पब्लिक, मजे आ रहे हैं। तो जैसे ही पाकिस्तानी आवाम को पता चला कि मनी हाइस्ट लाइट बनने जा रहा है, तो बिना तहकीक और तस्दीक के सब ऐसे क्रिटिसाइज करने लगे जैसे कोई इनकी बाजी को फूल देके भागा हो। लेकिन फिर वो ये निकला। और सारी आवाम किसी और मुद्दे की बजाने चली गई। तो हाल ही में साइंस मिनिस्टर प्लस मून स्पेशलिस्ट प्लस ओनली स्मार्ट तबलीगी मैन फवाद बॉय ने बोला कि पाकिस्तान की भी अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस आने वाली है। बस दुआ करें कि ये तब्दीली की तरह ना हो जो सिर्फ खरीदने से पहले ही मिले, उसके बाद अता पता ना हो। अच्छा बॉयज, जोक्स असाइड, ये बहुत अच्छा एक्शन है। एंड वी सजेस्ट कि एक चीज़ अच्छी हो रही है तो उसे होने दें, पहले से ही क्रिटिसाइज ना करें। जस्ट इमेजिन कि इस स्टेप की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अपना खुद का नेटफ्लिक्स, अपने खुद के ओरिजिनल शोज जो कि अभी सिर्फ एक गुमान ही है, और एक सजेशन ये भी है कि 18 प्लस कंटेंट को एज रिस्ट्रिक्शन के साथ डाला जाए, ना कि सिरे से ही हटा दो। अब एक 25 साल का लड़का या लड़की बच्चों के कार्टून्स तो नहीं देखेगी ना, कुछ मेरे जैसे होंगे जो कार्टून्स पे चलते हैं, मगर बाकी लोगों को मैच्योर कंटेंट पसंद है यार। 18 प्लस कंटेंट में सिर्फ बेहाई नहीं, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और वॉयलेंस भी आती है। गाली गुफ्तार नहीं होगी तो आपकी गैंगस्टर जॉनरा कैसे चलेगा? मिर्जापुर और सेक्रेट गेम्स की एग्जाम्पल आपके सामने है। एज रिस्ट्रिक्शन इज द वे फॉरवर्ड। आप सिस्टम ही ऐसा बनाएं कि 18 से कम उम्र वाले बच्चों को वो कंटेंट नज़र ही ना आए। और बस इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में भी जल्द क्वालिटी शोज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट हो और बैनिंग कल्चर जल्द ख़त्म हो जाए। एंकर बॉयज आउट। खत्म। तो रुको जरा, सबर करो। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। सो प्लीज सबर कराए प्लीज सर। आई वांट टू रीच 1 million। About a 10, I should fuck her in the Benz.